Hey guys, happy Guru Purnima to everyone out there. Mojba. I wanted to share this quick thought over here and मैं थोड़ा सा हिंदी में भी बात करूंगा आज. तो मुझे ये शेयर करना था कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि हमारे अंदर है ना दो पर्सनालिटीज हमें हमेशा जीवित रहना चाहिए. इनफैक्ट लाइक बहुत सारे पर्सनालिटीज होते हैं जिसको जीवित रखना चाहिए. जैसे कि लोग बोलते हैं कि बचपना होता है वो हमेशा हमारे अंदर होना चाहिए. लाइक इन इंग्लिश वी से दैट देयर शुड ऑलवेज बी अ चाइल्ड लिविंग इन अवर हार्ट्स और विद इन अवर सोल. वी शुड ऑलवेज बी चाइल्डिश इन नेचर एट टाइम्स एंड देयर शुड बी अ लिविंग चाइल्ड विद इन ईच soul, whether we grow older or whatever it is. So on top of that, what I believe that there are two personalities जो कि हमारे अंदर होने चाहिए. पहली personality जो है वो है एक शिष्य के रूप में और दूसरी personality जो है वो होती है एक teacher के रूप में, एक गुरु के रूप में. राइट. तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि यार मैं जिंदगी का तो एक student ही रहूँगा. राइट. No matter how old I become, no matter how much this white hair grows, no matter what my age is, no matter tomorrow if I'm 41, right now I'm 31, tomorrow I'll become 41 after 10 years, no matter what I become, I'll always be a student of life. Because I believe that in life I'll meet new people. And those new people might be more talented than me, more knowledgeable than me, might be more self-aware than me, might be more skilled than me. And there would be a lot of people through which I would learn and apply something new every single day. And in that process, I always believe that life is going to teach me something new as I progress in my life. All right. And that's where I always believe that I'm a student of my life. Second, how I become a guru, how I think myself as a guru. I don't think myself as a guru because I have some podcast challenge over here or because I'm now known guy in this personal branding space. I've been doing this since years. No, not at all. I don't think like that. When I treat myself as a guru, I don't treat myself as a guru of some course or coaching program or something. I treat myself as a guru for people who are respecting me because of something. So they give us respect. When people give you respect with certain things, they treat you as guru, and at that point in time, if you treat yourself as a guru, that's perfectly all right. But I don't believe in that guru kind of guy who is a self-proclaimed guru that हाँ because मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो मैं गुरु हो गया. नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ. तो मैं हमेशा स्कूल में भी जब था तो वो छोटा था, लेकिन अब मैं जब सोचता हूँ तो स्कूल में जो हमारे टीचर्स थे, आज भी मैं उनको टीचर मानता हूँ जबकि वो मेरे को कुछ पढ़ा नहीं रहे. राइट. आज भी मैं बहुत सारे मेरे जो टीचर्स हैं, मैम सर है, उनको मैं अपने उनके बर्थडे पे मैं विश करता हूँ, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ. बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो मेरे टच में हैं एंड राइट नाउ आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम देम, बट स्टिल उन्होंने कुछ चीज़ें जो सिखाई होती है हमको, वो कहीं ना कहीं हमको हेल्पफुल रहती है और वो कहीं ना कहीं दिमाग में होती है. तो उसकी वजह से आज भी हम जब टीचर्स डे होता है या कुछ भी होता है, गुरु पूर्णिमा, टुडे इज गुरु पूर्णिमा, सो आई एम श्योर लॉट ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो माइट बी जस्ट सेंडिंग व्हाट्सएप मैसेजेस टू योर टीचर्स इफ यू हैव व्हाट्सएप नंबर्स और कॉन्टैक्ट्स और वट एवर इट इज. फेसबुक मैसेंजर में आप भेज रहे होंगे, इंस्टाग्राम डीएम कर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को मैसेज कर रहे होंगे, या ये वीडियो में अगर आप मेरे को रिस्पेक्ट दे रहे हो तो बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे हैप्पी गुरु पूर्णिमा. ऑलराइट. मैं खुद भी बहुत सारे मैसेज किए आज मैंने. So when you give somebody respect, at that point in time, probably you are not learning continuously throughout your life. लेकिन आपने कुछ जो सीखा होता है ना, वो हमेशा अपने जहन में होता है, हमेशा हमारे दिल में होता है, जिसकी वजह से हम किसी व्यक्ति को respect देते हैं, alright, आदर सम्मान करते हैं, और उसकी वजह से हम उनको गुरु मानते हैं और वो शायद लाइफ लॉन्ग गुरु मानेंगे. Alright. So because of that, I believe that there are two different personalities within each our within our souls. तो आप में भी एक गुरु और आप में भी एक शिष्य है. मेरे में भी एक गुरु, मेरे में भी एक शिष्य है. अब ये दोनों को ही अगर हम जीवित रखेंगे हमेशा और हम इसको एकदम काइंडनेस और हम्बल नेचर से देखेंगे ना, तो हमारे में कभी ईगो वाला नेचर नहीं आएगा. नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट वी ऑल आर 100% परफेक्ट. हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियसली, अननोइंगली, अनइंटेंशनली वो ईगो का आ ही जाता है फेज, जो कि हम प्रे करते हैं कि ना आए, लेकिन जब वो आता है तो जितना जल्दी हो वो चला जाए वो बेहतर है. तो उसी की वजह से मैं ये सोचता हूँ कि ये दो पर्सनालिटीज हमेशा जीवित रहनी चाहिए
और ये गुरु पूर्णिमा का अवसर था, तो मैं अभी बस जस्ट ऑफिस आया। ऑफिस आके मेरे को ये विचार आया कि क्या मैं आज, मुझे खाली गुरु पूर्णिमा विश नहीं करना है अपने ऑडियंस को, या जो भी मेरे को ये वीडियो में देख रहा है, या शायद मैं ये पॉडकास्ट एपिसोड में डाल दूंगा, तो शायद मेरे को जो भी सुन रहे होंगे, मेरे को ये एपिसोड में कुछ अपना जो सोच विचार, जो डीप डाउन मेरे हार्ट में मैं बिलीव करता हूँ, वो मुझे शेयर करना है। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग अराउंड सिंस पास्ट 30 मिनट्स के मैं क्या बोलूँ, और ये मेरे दिल में से आया है, ठीक है, ये कोई स्क्रिप्ट या कुछ पढ़ के नहीं आया है, ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस रहा है पिछले कई सालों से, क्योंकि मैं आज भी, मेरे जो इंग्लिश टीचर है, मेरे जो पीटी के सर होते थे, पीटी यानी जो इंडियन, इफ़ यू आर इंडियन यू मस्ट बी नोइंग दैट इन स्कूल वी यूज टू हैव पीटी क्लासेस। आई डोंट नो राइट नाउ स्कूलिंग में होता है कि नहीं, लेकिन हमारे टाइम पे वो होता था, तो पीटी के क्लासेस होते थे, फिजिकल ट्रेनिंग, योगा, ये वो जो, तो उनके जो सर होते थे, वो जो क्लास के सर होते थे, उनको हम पीटी सर बुलाते थे। तो उनको भी मैं आज मैसेज करता हूँ, हमारे संस्कृत के सर है वो आज होते हैं, तो कभी कभी मैं अपने बर्थडे पे भी मैं अपने स्कूल पे जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? इट्स नॉट बिकॉज के मैं अभी भी उनसे सब कुछ सीख रहा हूँ, नहीं, मैं उनसे कुछ सीखा हुआ हूँ जो मेरे जहन में है, और उसकी वजह से मेरे को उनके लिए रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो बस यही छोटा सा विचार शेयर करना था। आई डिडंट थिंक दैट ये 6 मिनट का वीडियो हो जाएगा, बट हो गया, अभी ठीक है। अब मेरी हिंदी भी टूटेली फूटेली है, because I whenever I create content I'm more of like into English, और मैंने recently गुजराती में start किया है, and गुजराती is my mother tongue, so हिंदी में कभी कभी fumble हो जाता है, so that's my challenge, but I try that मैं कुछ ना कुछ बात कर लूँ हिंदी में भी, because हिंदी में कभी भी शुद्ध हिंदी होती है, वो मैंने कभी भी बोली नहीं है, because in my college as well I used to roam around with a couple of friends जिनका बम्बैया tone था, फिर पंजाबी tone था, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, और मेरा लाइक आई बीइंग अ गुज्जू एज वेल, प्रोबेबली वो भी थोड़ा सा एक्सेंट आ जाता होगा, तो हिंदी तो मेरा टूटेला फूटेला ही है, बाकी बोले तो रापचिक रहने का, मौज में रहने का तो थोड़ा सा वो भी आ जाता है। विद दैट बीइंग सेड वंस अगेन, लाइक गाइस, पता नहीं मुझे ऐसे ही मेरे को चिल मारने की इच्छा हुई और बात करने की इच्छा हुई, एज इफ आई एम डूइंग अ लाइव वीडियो राइट नाउ, बट हाँ, बस हैप्पी गुरु पूर्णिमा, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।